एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं लेकर आया हूं एक और वीडियो किया कैरेंस के कंपेयर करने वाले हैं इसको मारुति सुजुकी अर्टिगा के साथ में। दोनों ही लगभग सेम सेगमेंट से बिलोंग करती है, हालांकि कीमत में काफी बड़ा डिफरेंस है। शुरुआती कीमत किया कैरेंस की अर्टिगा की जो शुरुआती कीमत है उससे लगभग 88,000 रुपीज ज्यादा है, और उस 88,000 रुपीज में आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। हाइट कंपेयर करें या व्हील बेस कंपेयर करें तो वो सारा ज्यादा है अर्टिगा के मुकाबले, तो ये साइज में बड़ी है अर्टिगा के मुकाबले। इसके बेस वेरिएंट में आपको दो एयरबैग मिलेंगे और इसके बेस वेरिएंट में आपको मिलने वाले 6 एयरबैग। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं और किया कैरेंस में आपको मिलने वाले हैं ऑल 4 टायर्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। स्पॉइलर आपको मिलने वाला है। फ्रंट और मिडिल रो के ऊपर आपको आर्मरेस्ट मिलने वाली है बेस वेरिएंट के अंदर। और वहीं पर बात करें और फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स काफी सारे ऐसे हैं जो आपको इसके बेस वेरिएंट के अंदर मिलने वाले, जो आपको अर्टिगा के अंदर नहीं मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे अर्टिगा के अंदर। वहीं बात करें माइलेज की, तो लगभग सेम आपको माइलेज मिलने वाली है, और दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। हालांकि इसके अंदर आपको 104 bhp की पावर और इसमें आपको 115 bhp की पावर मिलने वाली। पावर एंड टॉर्क थोड़ी ज़्यादा है इसकी अर्टिगा के मुकाबले। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। फ्रंट डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो किया कैरेंस का काफ़ी फ्यूचरिस्टिक नज़र आता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी नज़र आती है। इसकी जो ऊपर वाली ग्रिल है उसको बंद रखा गया है, क्रोम यूज किया गया है और ड्यूल टोन का आपको बम्पर मिलने वाला है। फ्रंट से आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड नज़र आती है अर्टिगा के मुकाबले। DRLs काफी स्टाइलिश मिलने वाली हैं, बट आपको मिलेंगी सिर्फ टॉप ट्रिम्स के अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर आपको DRL नहीं मिलेगी। हेडलाइट्स को नीचे लगाया गया है बंपर के ऊपर, LED हेडलाइट्स आपको मिलने वाली है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स के अंदर। वहीं पर बात करें अर्टिगा की, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलने वाली जिनको स्टैंडर्ड रखा गया है। बेस वेरिएंट में किया कैरेंस के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा हेडलाइट्स के अंदर। वहीं पर इसकी जो फ्रंट डिजाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। फ्रंट में इसमें क्रोम का काफ़ी जगह आपको यूज दिखाई देने वाला है, जो किया कैरेंस के अंदर आपको काफ़ी कम नज़र आएगा। एक स्ट्रिप सेंटर में है जो ट्रैवल करती है दोनों साइड और नीचे आपको नज़र आने वाला है। लुक के मामले में दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती हैं। आपको कौन सी गाड़ी का फ्रंट डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा। बात करते हैं पीछे वाले डिजाइन की। दोनों ही गाड़ियों का पीछे का डिजाइन आपको पसंद आने वाला है। इसकी जो टेल लाइट्स हैं वोल्वो इंस्पायर्ड में बोलूंगा, क्योंकि वोल्वो की काफ़ी सारी गाड़ियों में ऐसी टेल लाइट्स आती हैं, और कैरेंस की टेल लाइट काफ़ी अलग हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, जो ट्रैवल करती हैं दोनों साइड क्वार्टर पैनल तक। बीच में एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है और ये डिज़ाइन भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। बट अगर आप साइज़ देखेंगे साइड बाई साइड दोनों गाड़ियों को, तो अर्टिगा आपको छोटी नज़र आने वाली है किया कैरेंस से। दो कारण है, एक तो इसकी हाइट लगभग 15-20 मिलीमीटर ज़्यादा है, और उसके अलावा इस पर रूफ रेल्स भी मिलने वाली हैं जो आपको अर्टिगा के अंदर नहीं मिलती हैं, तो ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा इसमें स्पॉइलर काफ़ी लिमिटेड है, और जो कैरेंस का स्पॉइलर है ये काफ़ी पीछे तक निकला हुआ है, और इसमें स्टॉप लैंप दिया गया ऊपर की तरफ। अर्टिगा के मुकाबले किया कैरेंस में ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा मिलने वाला है, जो पीछे वाला ग्लास है। और बूट स्पेस की अगर हम बात करें, हालांकि दोस्तों एक चीज़ आपको नज़र आने वाली है दोनों गाड़ियों में, ये जो डिज़ाइन है ये जिसमें क्रोम लगाया गया है किया कैरेंस के अंदर, लगभग ऐसा ही डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है अर्टिगा के अंदर। तो रियर बम्पर का डिज़ाइन इंस्पायर्ड नज़र आता है किया कैरेंस का मारुति सुजुकी अर्टिगा से। उसके अलावा इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आपको मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन दिया गया है, ड्यूल बैटरी सेटअप आता है अर्टिगा के अंदर, जो आपको किया कैरेंस के अंदर नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलने वाला है। तो जो डेप्थ है बूट की वो दोनों गाड़ियों की आपको लगभग बराबर नज़र आने वाली है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये हेलमेट है मेरे पास, थोड़ी ज़्यादा ही है अर्टिगा के अंदर डेप्थ, बट इसकी विड्थ कम है किया कैरेंस के मुकाबले। तो आपको अगर आप लीटर्स में कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम बूट स्पेस आपको मिलेगा मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर। और इसके नीचे भी आप सामान रखने के लिए किया कैरेंस की तरह ही एक स्पेस दिया गया है। तो ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वहाँ पे ये स्पेस काफ़ी काम आने वाला है। किया कैरेंस के अंदर भी आपको ऐसा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैकेट्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे एक हुक दिया गया है, क्योंकि जो इसका स्टेपनी है वो लगाया गया है टायर नीचे,
और उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक हुक दिया गया है जिससे आप रोटेट करके उसको नीचे उतार सकते हैं। तो ये तो बात हुई बूट स्पेस की, और बात करें साइड डिजाइन की, तो साइड डिजाइन देखकर आप समझने वाले हैं कि कैरेंज की साइज बड़ी नजर आती है अर्टिगा के मुकाबले। दो कारण है, एक तो हाइट लगभग 18 मिलीमीटर से इसकी ज़्यादा है, प्लस इसमें रूफ रेल्स भी लगाई गई हैं, तो साइड से देखने में बड़ी नज़र आने वाली है कि यह कैरेंज अर्टिगा से। दूसरा, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 145 मिलीमीटर ज़्यादा है अर्टिगा से, कैरेंज लंबाई में भी ज़्यादा है, और जो व्हीलबेस है वो भी 40 मिलीमीटर ज़्यादा है किया कैरेंज का अर्टिगा के मुकाबले। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी लगभग 15 मिलीमीटर ज़्यादा मिलती है आपको किया कैरेंज में अर्टिगा के मुकाबले। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं टायर की साइज, ग्राउंड क्लियरेंस, हाइट, जो अर्टिगा के मुकाबले किया कैरेंज को बड़ा बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेस कैसा ऑफर करती हैं दोनों गाड़ियाँ। बूट स्पेस मैंने आपको दिखा दिया है, पहले बात करते हैं ड्राइवर सीट की। तो जो सीटिंग की जो हाइट है दोनों गाड़ियों में वो काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है। मैं किया कैरेंज के अंदर बैठ रहा हूं और इसकी जो सीट हाइट है ड्राइवर सीट की वो ग्राउंड से ऊंची है कंपेयर करेंगे आप अर्टिगा के मुकाबले। और अर्टिगा में बैठने के बाद आप किया कैरेंज के अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप उसी सेगमेंट की गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल अलग नजर आती है। इनफैक्ट दो तीन सेगमेंट अबव की गाड़ी नजर आती है इंटीरियर के मामले में। पियानो ब्लैक फिनिश का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। 10.25 इंचीज का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलने वाला है। किया कनेक्ट के फीचर्स मिलने वाले हैं लगभग 60 के आसपास। फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल, लेदर रैपिंग मिलने वाली है, और ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलने वाले हैं, और काफ़ी प्रीमियम नजर आने वाली आपको गियर नॉब मिलने वाली है। काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको मारुति के किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलेंगे। बात करें हेडरूम की तो काफ़ी अच्छा ऑफर करती है गाड़ी, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी ऑफर करती है। और अर्टिगा की अगर हम बात करें तो अर्टिगा के अंदर भी आपको मिलने वाला है ड्यूल टोन इंटीरियर, ऊपर डार्क रखा गया है थोड़ा सा कलर, बीच में वुडन का काफ़ी सुंदर सा दिखाई देने वाला पैनल लगाया गया है और नीचे बेज कलर रखा गया है। गाड़ी के अंदर से निकलना बैठना इसमें आसान है, बट जो रोड से जो अगर मैं बात करूँ सीट हाइट की तो वो काफ़ी नीची है। अगर आप साइड से देखेंगे तो नॉर्मली जो SUVs होती हैं वैसी फील आपको नहीं आने वाली इस गाड़ी के अंदर, लगेगा नहीं कि आप किसी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। जो सीटिंग हाइट है वो काफ़ी नीचे रखी गई इस गाड़ी की, और ये इसका ZXi वेरिएंट है, इससे ऊपर ZXi प्लस वेरिएंट आ जाता है जिसके अंदर आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, बट इस वेरिएंट के अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट नहीं मिलेगा। इसका स्पीडो कंसोल काफ़ी सुंदर नजर आता है, सेमी डिजिटल दिया गया है, सेंटर के अंदर एक कलर TFT लगाई गई है, और साइड में ट्विन पोर्ट आपको स्पीडो मिलने वाला है और टैकोमीटर मिलने वाला है। दोस्तों स्पेस इस गाड़ी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, आप एक बड़ी बोतल आराम से रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं डोर्स के अंदर। आर्मरेस्ट मिली है, काफ़ी छोटा सामान आप रख पाएंगे आर्मरेस्ट के अंदर, और दो कप होल्डर्स आपको मिले हैं आगे AC वेंट के साथ में जो चिलर का काम करने वाले हैं, हालांकि यहाँ पे आपको कप होल्डर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। बात करें मिडल रो की, तो जो मिडल रो का जो डोर है उसकी साइज अगर आप देखेंगे तो अर्टिगा की काफ़ी बड़ी है, और लगभग इतनी ही बड़ी साइज आपको मिल जाती है किया कैरेंज के अंदर। इसकी डोर साइज भी काफ़ी बड़ी रखी गई है दोस्तों, गाड़ी के अंदर से निकलना और बैठना काफ़ी आसान बना देता है बड़ा डोर। तो पीछे वाली सीट पे आप देखेंगे अर्टिगा के मुकाबले, अर्टिगा बिल्कुल प्योर बेज कलर में है, इसमें आपको बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिखाई देने वाला है जो अच्छा नज़र आता है। एक एयर प्यूरीफायर लगाया गया है ड्राइवर सीट के पीछे, और को ड्राइवर सीट के पीछे एक आपको ट्रे मिलने वाली है। पीछे आपको AC वेंट्स के डायल मिलने वाले हैं, इसमें ऊपर आपको डायल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, हालांकि ऊपर आपको AC वेंट्स मिलने वाले हैं रूफ माउंटेड, बावजूद इसके कि इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगी। डोर साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर आपको कर्टेंस मिल जाते हैं जो आपको अर्टिगा के अंदर नहीं मिलते हैं। हेडरूम काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के अंदर भी, हेडरूम अर्टिगा के अंदर भी काफ़ी अच्छा है, बट एक डिफरेंस है कि ये सिर्फ 7 सीटिंग ऑप्शन में आती है, इसमें कैप्टन सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैप्टन सीट लेने के लिए आपको खरीदनी होगी XL6, और XL6 के साथ भी हम लेकर आने वाले हैं किया कैरेंज का एक कंपेरिजन वीडियो। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो इसकी जो सीट हाइट है वो ज़्यादा है फ्रंट सीट के मुकाबले, ऊपर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, बट इस गाड़ी में एक छोटी सी कमी है। अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो पहले मैं आपको लेगरूम दिखा देता हूँ। लेगरूम अच्छा मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ठीक ठाक स्पेस है, आप सीट को और आगे कर सकते हैं पीछे अगर आपको ज़्यादा स्पेस देना है। चलो मैंने इतना रखा है जितना मैं आराम से बैठ पाऊँ, ये मेरे लिए कम्फर्टेबल है। और अब मुझे जाना है थर्ड रो के अंदर, तो क्या करना होगा, यहाँ से इस लीवर को मैंने पुल किया और इसको रिक्लाइन कर दिया, अब ये स्पेस बन गया है। यहाँ से मैं गया हूँ बैठ, पीछे वाली सीट को हम थोड़ा सा रिक्लाइन कर लेते हैं, रिक्लाइन हो गई है ये, और हेडरूम
नहीं, मेरे लायक हेडरूम नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और सीट को एक बार फोल्ड करने के बाद देखता हूँ। ओके, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा सीट को जिसको भी बैठना है। तो लेगरूम भी सफिशेंट ही बोलूँगा, बहुत अच्छा लेगरूम नहीं है गाड़ी के अंदर। किसी भी थर्ड रो के अंदर आपको बहुत अच्छा लेगरूम नहीं मिलता है, बट हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब के पैसेंजर के लिए नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और सीट इसे पीछे रिक्लाइन भी नहीं हो सकती है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क रहने वाला है। बट बात करें किया कैरेंस की, तो किया कैरेंस के थर्ड रो में जाने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है और सीट फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ से मैं आके बैठ गया इसके थर्ड रो के अंदर। कप होल्डर दिया है एक यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए, यूएसबी पोर्ट दिया है। और हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा है इस गाड़ी के अंदर। और लेगरूम की अगर हम बात करें थर्ड रो के अंदर, तो सिक्स सीटर वर्जन के अंदर तो मैं आराम से बैठ पाऊँगा एक लेग बीच में से निकाल कर बाहर। थोड़ा सा इस वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा और सीट को आगे करना पड़ेगा स्लाइड, अगर किसी पैसेंजर को पीछे भी बैठना है और बीच में पैसेंजर बैठे। फीचर्स के मामले में काफ़ी आगे निकल जाती है मारुति सुजुकी अर्टिगा से। और अगर आप पूछेंगे कि अब दोनों गाड़ियों के अंदर कौन सी गाड़ी बेहतर है, तो अगर प्राइस को आप कंसीडर करेंगे तो सिर्फ 80,000 रुपीज़ आपको ज़्यादा पे करना है बेस वेरिएंट में किया कैरेंस के अंदर। और उस 80,000 के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको इस गाड़ी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलते हैं। बट ये प्राइस कुछ दिनों के लिए ही है, कि आप बहुत जल्द इस प्राइस को बढ़ाने वाला है। और कुछ वेरिएंट्स का जो वेटिंग पीरियड है वो अभी से ही एक साल क्रॉस कर गया है, तो एक साल के बाद क्या प्राइस होगा उसका अनुमान तो नहीं है। बट हाँ, एटलीस्ट जो आज का जो प्राइस है उससे लगभग 1,00,000 रुपये महंगी आपको गाड़ी मिलेगी जब आप इसको डिलीवरी लेंगे। दोस्तों, अगर आपने बुकिंग नहीं की, आप किया कैरेंस की बुकिंग कर सकते हैं। जो एडवांटेज है अर्टिगा के पास में उसकी मैं बात कर लेता हूँ। पहला एडवांटेज है प्राइस का, इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लगभग 12,00,000 रुपये के आसपास है, जो किया कैरेंस से 6,00,000 रुपये के आसपास सस्ता पड़ जाता है। हालांकि उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट वैल्यू फॉर मनी आप बोल सकते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा को। 3-4 लाख गाड़ियां बेची जा चुकी हैं भारतीय बाजार के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी माइलेज देता है। पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी लगभग आपको 17-18 की माइलेज आराम से देने वाली है, किया कैरेंस में 15-16 की माइलेज आपको मिलने वाली है। अब देखना ये होगा कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आती है। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई और कौन सी गाड़ी आप खरीदने वाले हैं। और आप किसी और गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में लेता ही है विदा। धन्यवाद दोस्तों।